पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के बहराइच में परिवर्तन रैली करेंगे और बहराइच में पीएम की रैली को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से तैयारियों में जुटे हुए थे। बीजेपी नेताओं का यह दावा है कि पीएम की रैली में 5 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटेगी। पीएम मोदी बहराइच के नागपारा में रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की इस रैली को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक रैली पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इस भीषण सर्दी और कोहरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बहराइच में हैं। करीब 2 बजे वो बहराइच के इस राजा सुहेलदेव ग्राउंड पर पहुंचेंगे। बहराइच हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भाग्यशाली साबित होता रहा है। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के लिए पहली कॉल जब उनको अटल जी की आई, उस वक्त नरेंद्र मोदी बहराइच में एक मीटिंग कर रहे थे और उसके बाद फिर वो गुजरात गए और वहाँ के कामयाब मुख्यमंत्री बने। 2014 में उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने इसी राजा सुहेलदेव ग्राउंड से ही की थी और नतीजा ये हुआ, बीजेपी को 73 सीटें मिली और पहली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बना पाई, जिसके प्रधानमंत्री इस वक्त नरेंद्र मोदी हैं। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने अपने उसी भाग्यशाली बहराइच को चुना है अपनी रैली करने के लिए। शायद बीजेपी को जरूर इस बात की उम्मीद होगी कि इस रैली के बाद उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाए। जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो 3 लेयर की सुरक्षा है, जिसमें सेना, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा पुलिस के जवान हैं। केवल 12 SP लगे हुए हैं, 15 ASP लगे हुए हैं। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल के जवान यहां पर तैनात रहेंगे। सेना के हेलीकॉप्टर्स को भी लगाया गया है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए। ये बताया जा रहा है कि करीब 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए वो 1:55 पर इस ग्राउंड में आएंगे। 1 घंटे का उनका संबोधन होगा और फिर उसके बाद यहां से वो लखनऊ होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जिस ग्राउंड पर ये रैली की जा रही है, उस ग्राउंड की क्षमता करीब 2.5 लाख बताई गई है। 120 बीघे का ये पूरा ग्राउंड है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के लिए सजाया संवारा गया है। कुर्सियाँ लगी हुई हैं। इस वक्त करीब 8:30 बज रहे हैं और लोगों की भीड़ सड़क के इस तरफ देखी जा रही है। हालांकि उनकी एंट्री अभी नहीं की जा रही है, सुरक्षा जांचों के बाद ही वो एंट्री हो पाएगी। फिलहाल नोटबंदी के मसले पर घिरी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार, आज ये उम्मीद कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपने विरोधियों को नोटबंदी के मसले पर कुछ और जवाब देंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं विवेक तिवारी, इंडिया 24/7, बहराइच।